बस आधे घंटे में ही ये चकली बनकर रेडी हो जाती है। इसे मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। इसके लिए आपको बाजार से कोई स्पेशल चीज़ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे मैं आपको खाकर भी बताती हूँ। देखिए ये कितनी कुरकुरी और क्रंची बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं इसके सारे सीक्रेट्स कि घर पे ही इतनी आसानी से चकली कैसे बनाई जाती है। आप एक पैन को मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें डाल दीजिए 1 कप पानी। पानी को हमें यहाँ पहले उबालना है। तो यहाँ मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ आप उसका मेजरमेंट बिल्कुल वैसा ही रखिएगा। जब पानी उबलने लग जाए आप उसमें डाल दीजिए 1/2 कप सूजी, मतलब कि रवा। तो यहाँ मैंने बॉम्बे रवा यूज़ किया है जिसे हम उपमा और हलवा बनाते हैं। तो यहाँ हमें इसे अच्छे से पानी के साथ मिक्स कर लेना है जिससे कि रवा पूरा पानी इसका एब्जॉर्ब कर ले। आपको ऐसे ही रेसिपी सारे टिप्स और सीक्रेट के साथ मिलते ही रहे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच बटर। यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है, आप चाहें तो सॉल्टेड बटर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें इसे अच्छे से रवा के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप गैस का फ्लेम लो कर दें ताकि ये नीचे से चिपके ना। और इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक रवा पूरा जो बटर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले। रवा में बटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है तो इसे अब हम एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये चकली सिर्फ 1/2 घंटे में ही बनकर रेडी हो जाती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो रवा को हमें थोड़ा सा ठंडा करना है क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आपको अगर तीखा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, नमक आपके स्वाद के अनुसार। अगर आपने सॉल्टेड बटर यूज किया है तो आप उसे ही ध्यान में रख के ही नमक डालिएगा, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें आप 1/2 चम्मच अजवाइन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे आप हाथों से कुछ इस तरीके से मसल के डालिएगा। और 1 चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा सफेद तिल। और चकली कुरकुरी बने उसके लिए आप इसमें डाल दीजिएगा 1 कप चावल का आटा। तो पानी, रवा और चावल का आटा आप बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से ही लीजिएगा। तो चावल का आटा डालते वक्त जो रवा है वो गर्म होना जरूरी है, तो वो उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप उसे टच कर सके। और फिर इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिए 2 चुटकी हींग। और अब हमें इसे अच्छे से गूंथना है जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ ये आटा जो है वो थोड़ा सा गूंथ के रेडी हो चुका है, बट ये बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो इससे चकली का जो शेप है वो अच्छे से आएगा नहीं। तो यहाँ मैंने 1/4 कप गर्म पानी लिया है। अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा या कम कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पर याद रखिएगा आप गर्म पानी ही मिलाइएगा और इसे 5 से 10 मिनट तक आप अच्छे से गूंथ लें। और अच्छे से गूंथने के बाद ये जो आटा है एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है चकली बनाने की। तो चकली बनाने के लिए मुझे ये वाला मोल्ड सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इसमें चकली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और बहुत ही कम मेहनत में चकली बनकर रेडी हो जाती है। अगर अभी तक आपने इसे लिया नहीं है तो लेते वक्त आप याद रखिएगा इसका जो स्टार शेप है वो बहुत ही अच्छा शार्प होना चाहिए जिससे कि चकली का जो शेप है बहुत अच्छे से आता है। और आप चकली मोल्ड को अंदर की साइड से पूरा अच्छे से तेल से ग्रीस कर लें ताकि जो आटा है वो उसमें चिपके ना। तो आप कोई भी बटर पेपर या प्लास्टिक का शीट या एल्युमिनियम फॉइल ले लें जिसके ऊपर हम चकली बनाएंगे। तो ये जो आटा है उसे आप सिलेंडर के शेप में कुछ इस तरीके से लें और इसे मोल्ड के अंदर डाल लें। तो यहाँ बटर पेपर के ऊपर मैंने चकली कुछ इस तरीके से बनाई है। अगर ये डालते वक्त बनाते वक्त टूट रहा है इसका मतलब जो आटा है वो अच्छे से बाइंडिंग नहीं हुआ है। तो आप उसे एक बार फिर से निकाल कर अच्छे से गूंथ लें और फिर उससे चकली बनाएं। तो चकली बनाते वक्त आप जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से दबा लें ताकि जब हम इसे तेल में डालें तो ये अनशेप होकर खुलना स्टार्ट ना हो जाए। और सेम हमें करना है जब हम चकली को बनाएं उसका जो लास्ट पॉइंट है आप उसे हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से दबा दें और 5 मिनट इसे सेट होने के लिए रख दें। तो कढ़ाई में तेल डालकर आप इसे मीडियम फ्लेम में रख दें और उसके बाद उसमें सबसे पहले छोटा सा टुकड़ा डालकर देखें कि तेल ठीक से गर्म हुआ है कि नहीं।
अगर टुकड़ा जो है ऊपर की तरफ आने लग गया, इसका मतलब कि तेल बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। चकली को आप पेपर से कुछ इस तरीके से लिफ्ट करें और फिर तेल में डालें। तो एक बार में आप 5 से 6 चकली कढ़ाई में डालें। बहुत सारी चकली आप एक साथ ना डालें, और डालने के बाद आप इसे इमीडिएटली टर्न बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जो चकली है वो टूटने लग जाएगी। तो एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ये चकली को इस मोल्ड से कैसे बनाया जाता है। तो मैंने बहुत से मोल्ड ट्राई किए हैं चकली बनाने के लिए, पर ये सबसे ईजी है। तो जब चकली का आटा इसमें ख़त्म हो जाए, तो आप इसे ऊपर की साइड से उल्टा घुमाकर आप इसे ओपन करिएगा। कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और उनसे ये जो मोल्ड है वो ओपन नहीं हो पाता है। तो जो ये चकली है वो एक साइड से हल्की सी फ्राई हो चुकी है, तो ये ही सही वक्त है आप इसे पलट लें और इसे दूसरे साइड से भी फ्राई कर लें। तो इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाए। तो फ्राई करते वक्त आप याद रखिएगा कि गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम या लो फ्लेम में आप चकली बिल्कुल भी मत फ्राई करिएगा। तो जो ये चकली है ये दोनों साइड से फ्राई होके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो चकली बनाते वक्त आप एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि आप जिस भी जगह में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है, मतलब मॉइस्चर है, बारिश हो रही है, तो आप चकली उस वक्त बिल्कुल भी मत बनाइएगा, नहीं तो चकली बिल्कुल नरम बनेगी। और आप बनाने के बाद इसे एयर टाइट डब्बे में रखिए, इसे आप 7 से 8 दिन तक आराम से खा सकते हैं। तो चकली बनाते वक्त थोड़ा सा आटा बच जाता है जिसकी चकली बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप इसके छोटे छोटे इस तरीके के शेप बनाकर आप इसे फ्राई करिएगा। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो सिर्फ आधे घंटे में 20 से 25 चकली बनकर रेडी हो चुकी है। तो चकली का लुफ्त आप किसी भी मौसम किसी भी समय उठा सकते हैं, और आप एक चकली में तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, ये खाने में इतनी ज़्यादा कुरकुरी और टेस्टी होती है। और आप इसे चुपके से बिल्कुल भी नहीं खा सकते, क्योंकि ये इतनी कुरकुरी होती है कि आपके पास वालों को भी पता चल जाएगा कि आप कुछ तो कुरकुरा ज़रूर खा रहे हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।